सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए लोग आज सड़कों पर उतरे। जी हाँ, अगर आपको पूरी खबर बताऊं तो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में आज लोग सुशांत सिंह राजपूत के हक की लड़ाई के लिए कैंडल लाइट जिसे कहते हैं वो मार्च के लिए लोग निकले, सड़कों पर गुहार लगाई कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को जो है इंसाफ दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलीगुड़ी में जो है ये पूरी कैंडल लाइट मार्च जो है लोगों ने की सुशांत सिंह राजपूत के लिए। पहले से भी बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी कि कोरोना का वक्त है, इसके वजह से लोग सड़कों पे नहीं उतर पा रहे थे, लेकिन अब जब फाइनली थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सिलीगुड़ी के सड़कों पे आज लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए जो है ये गुहार लगाई। ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज भेजता है कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में ये उम्मीद जारी है कि सुशांत को इंसाफ मिले। बहुत सारे ऐसे तर्क इस पूरे केस में हमारे सामने आ रही हैं, किस तरह से जो है आए दिन सुशांत के साथ रहने वाले लोग भी जो है स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। उनके पिठानी नीरज, दीपेश, इनसे लगातार पूछताछ जारी है। बहुत जल्द ही कल तक जो है रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जाएगा, अब रिया से भी पूछताछ होगी। ऐसे में हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से सुशांत की बहन श्वेता ने भी जो है ग्लोबल प्रेयर गायत्री मंत्र का जो है जाप किया था। 101 कंट्री इस प्रेयर में शामिल हुई थी और अब सड़कों पर लोग जो है सिलीगुड़ी में उतरे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और वो भी उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस के लिए। और अब देखते ही हैं कि क्या सीबीआई की जो जांच चल रही है वो हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत ही जल्द जो है सारी सच्चाई हम सबके सामने होगी।